केएम मेमन मापिल्लई दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि इंसान को बाकी सबसे अलग बना देते हैं। यह लोग दिखने में बड़े ही साधारण से होते हैं, लेकिन इनकी सोच हम सबसे परे होती है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, ओरिंडा स्टोरीज में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है केएम मेमन मापिल्लई की। शायद आप में से 90% लोगों ने यह नाम कभी नहीं सुना होगा। MRF टायर्स तो सुना ही होगा। MRF की शुरुआत कैसे हुई और किसने बनाई? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी कहानियां और वीडियोज आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाम के एम मेमन मापिल्लई, जन्म 28 नवंबर 1922 गुजरात, ब्रिटिश इंडिया या गुलाम भारत। मेमन ने अपनी ग्रेजुएशन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की 1946 में, मद्रास जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है के उपनगर तिरुवोट्टूर में। 24 साल के एक युवा बिजनेसमैन के एम मेमन मापिल्लई ने एक शेड में बैलून मैन्युफैक्चरिंग की एक छोटी सी यूनिट लगाई। इस यूनिट में कोई मशीन नहीं थी, लेकिन यहाँ कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जैसे खिलौने, इंडस्ट्रियल ग्लव्स और गर्भनिरोधक आदि, बहुत कम, मात्र 14,000 रुपए की पूंजी से। लेकिन ढेर सारे उत्साह के साथ मेमन ने यह काम शुरू किया था। उनकी पत्नी कुंजम्मा उनके साथ फैक्ट्री में काम करती थी। मेमन खुद बाजार में अपने बनाए बैलून बेचने निकल पड़ते थे। इस छोटे से प्रयास से शुरू हुई कंपनी आज 65 देशों में टायर निर्यात करती है। भारत के अलावा कंपनी के दुबई, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है। मद्रास मैन्युफैक्चरिंग का पहला दफ्तर 1949 में मद्रास में चांबू शेट्टी स्ट्रीट पर बना था। बैलून बनाने के छोटे से काम से शुरू हुए इस उद्यम में 1952 में पहली मशीन लगी। उनके द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि 1956 तक MRF ट्रेड रबर मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी और भारतीय बाजार में इसकी हिस्सेदारी 50% तक आ गई थी। 1960 में यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई। इसी साल कंपनी ने टायर उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा और अमेरिकी कंपनी मैंसफील्ड के साथ करार हुआ। जल्द ही MRF पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने टायर बनाकर अमेरिका को निर्यात किए। मेमन ने 1973 में कंपनी के CMD का पद संभाला और इसी साल 1973 में कंपनी ने भारतीय बाजार में नायलॉन के टायर पेश किए। उदारीकरण के दौर में कंपनी के सामने बड़ी चुनौतियां आई। मेमन को भारतीय बाजारों में ब्रिजस्टोन, गुडेयर और मिचेलिन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब कंपनी पर मिचेलिन की ओर से अधिग्रहण का खतरा मंडराने लगा। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने भारत सरकार की मदद ली। मेमन को प्रोफेशनल मैनेजमेंट और टीम बिल्डिंग के लिए जाना जाता था। मेमन ने भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाज लाने के लिए MRF पेस फाउंडेशन की स्थापना की। 1989 में कंपनी ने अमेरिका की हसब्रो इंटरनेशनल के साथ करार किया। यह खिलौने बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। इसके बाद फन स्कूल इंडिया को लॉन्च किया गया। इसी साल कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की पॉलीरोथेन पेंट बनाने वाली कंपनी वेपोस्टोर से भी अनुबंध किया। उद्योग जगत में योगदान के लिए 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दक्षिण भारत से यह सम्मान पाने वाले वह पहले उद्योगपति थे। 28 नवंबर 1922 को चेन्नई में सीरियन क्रिश्चियन परिवार में उनका जन्म हुआ था। 8 भाइयों और एक बहन में वह सबसे छोटे थे। 3 मार्च 2003 को अल्प बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और हमारी आने वाली और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।